चलिए दमदार 10 में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं आज का नेशन स्पेशल। जी आईएलएसी पर चीन अपने बंकर तोड़ रहा है, जिनपिंग की सेना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस लौट रही है। दरअसल चीन को यह एहसास हो चुका है कि नया भारत उसकी हर चालबाजी का माकूल जवाब देना जानता है, और इसीलिए अब जिनपिंग ने एलएसी से अपने तंबू उखाड़ने में ही भलाई समझी है। निश्चित तौर पर यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन तमाम कोशिश भी कर ले तो इस समय धोखा नहीं दे सकेगा। एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर लाल सेना के बंकर ध्वस्त हो रहे हैं। चीनी सेना का बोरिया बिस्तर बंध रहा है। जिनपिंग की सेना उल्टे पांव भाग रही है, तो वहीं पीएलए के बैटल टैंक्स में बैक गियर लग चुका है। पेंगोंग लेक से आई ये तस्वीरें हिंदुस्तान की दमदार कूटनीति की गवाही दे रही है। ये भारतीय सेना के पराक्रम और सरकार के शौर्य को दिखाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि अब तक दुनिया ने चीन की सेना को आगे बढ़ते ही देखा था, लेकिन हिंदुस्तान की रणनीति के आगे आज दुनिया जिनपिंग की फौज को पीछे भागते देख रही है। एलएसी पर भारतीय सेना ने चीन को न सिर्फ न्यू इंडिया की ताकत का एहसास दिलाया, बल्कि गर्मी की तपिश से लेकर और सर्दियों में जमते बर्फ की चोटियों पर तिरंगा लहराकर ड्रैगन को ये बता दिया कि भारत से अगर टकराओगे तो चकनाचूर हो जाओगे। और आखिरकार बीजिंग को इस बात का एहसास हो ही गया और अब पीएलए की सेना दुम दबाकर पीछे हटने को मजबूर दिखाई दे रही है। चीनी सेना बीते 9 महीने से पेंगोंग झील के पास युद्ध की गीदड़ भभकियां दे रही थी, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच भी भारतीय जवान पीएलए के सामने चट्टान की तरह डटे रहे। जून 2020 में गलवान वैली में एक झड़प भी दोनों सेनाओं में हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तो वहीं चीन के 60 से ज्यादा जवान ढेर हो गए थे। तभी चीन को भी समझ में आ गया कि उसे पीछे जाना ही होगा, और अब चीनी सेना भीगी बिल्ली बनी नजर आ रही है। आखिर कैसे, आपको इन तस्वीरों से समझाते हैं। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर डिसएंगेजमेंट से पहले की ये तस्वीरें हैं, जहां चीनी फौज का भारी जमावड़ा था, लेकिन अब यहां से चीनी सेना के तंबू उखड़ चुके हैं। चीनी सेना के 120 बंकर ध्वस्त किए जा चुके हैं। डिसएंगेजमेंट हो रहा है पेंगोंग झील उत्तर, जहां चीन की सेना आगे आ गई थी फिगर 4 तक, और हम चढ़ गए थे कैलाश। अब दोनों हम वापस जा रहे हैं, और बीच में जो जगह है वो नो मैन्स लैंड मांग लीजिए, कॉमन पेट्रोलिंग नहीं होगी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे भारत के पराक्रम के आगे पस्त हो चुके चीनी फौज अपने टेंट और बंकर्स को ध्वस्त कर रही है। हेलीपैड को उसे खुद ही तोड़ना पड़ रहा है। गाड़ियों के इस लंबे काफिले को भी देख लीजिए, जिनमें जवानों से लेकर छोटे हथियारों और गोला बारूद को ढोती नजर आ रही है चीनी सेना। और अब पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जहां चीनी सेना अपने बंकरों को ध्वस्त करने के बाद यथास्थिति की बहाली में लगी है। पेंगोंग झील के दक्षिण में दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने थी। दोनों देशों के टैंक मात्र 100 मीटर के फासले पर थे। भारत यहां काफी मजबूत पोजीशन में था, जो चीन को अखड़ रहा था, लेकिन अब यहां से भी सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। 10 फरवरी को भारत और चीन में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी। इसके तहत दोनों देशों की सेना को एलएसी पर अप्रैल 2020 के बाद के फिंगर एरिया में बनाए सभी ढांचों को नष्ट करना है और सेनाओं को अपने पुराने पोजीशन पर लौटना है। अब चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे वाले इलाकों से कई बंकर, अस्थायी चौकियां, हेलीपैड और अन्य ढांचों को हटा लिया है। चीनी सेना अपने सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम कर रही है। चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच 80 मीटर का साइनेज भी हटा लिया है। इस एंगेजमेंट के टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के अनुसार फिंगर 4 के इलाके को चीन हर प्रकार से खाली कर रहा है। वहाँ उसकी जो फोर्टिफिकेशन है उनको तोड़ रहा है,
हेलीपैड उसे बनाया था उसको लेवल कर रहे हैं, कुछ सड़कें बनाई थी उनको हटा रहे हैं। डिस एंगेजमेंट प्लान के तहत चीनी सेना पेंगोंग के उत्तर में मौजूद फिंगर एट से पूर्व में श्रीजब प्लेन की तरफ लौट रही है, जबकि भारतीय सेना पश्चिम की तरफ फिंगर तीन के पास मौजूद धान सिंह थापा पोस्ट की तरफ लौट रही है। पेंगोंग सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से वापसी की प्रक्रिया के पूरा होने में करीब एक हफ्ते का वक्त लगेगा, लेकिन चालबाज चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा चीनी हथियारों और सैनिकों की वापसी पर ड्रोन और सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है। वास्तव में हिंदुस्तान के सामने चीन झुका है और इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। एवरी स्टेज के ऊपर वेरिफिकेशन हो रही है ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से और हर पॉसिबल तरीके से। पेंगोंग झील के पास भले ही चीनी सेना ने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन देवसांग में अब भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। चीन पीछा गया, हम भी गए। अब देवसांग, गोगरा, गलवान 17A में क्या होगा ये अंदरूनी बात है, लेकिन रक्षा मंत्री ने यह बताया है उधर भी बातचीत चलेगी और हम एक इंच तक नहीं देंगे। फिलहाल पेंगोंग झील के इलाके में दोनों देशों की सेनाओं की गश्त और दूसरी गतिविधियां अस्थायी तौर पर बंद रहेंगी, लेकिन चालबाज चीन की हर हरकत पर भारत की न सिर्फ नजर है बल्कि घात पर प्रतिघात की भी पूरी तैयारी है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।